वो अगरचे मामूली सी बातें होंगी मगर यकीनन वो समाअत से गुजर कर दिल में जगह कर लेंगी और सुनने वाले उन तमाम अल्फाज को महफूज कर सकेंगे कि जिनको सुनाने के लिए मुझे यहाँ तक बुलवाया गया और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीजा ने गरानी, अभी अभी सरकार मौलाना ने अपनी तमहीद के दौरान में और अपने तारुफ के सिलसिले में यह भी बतलाया कि सादात ने बड़ी जहमतें उठाई और इस तरह से इस इमाम बारगाह को बनाया। ये तारीख बतलाती है कि शुरू से आखिर तक फातिमा की औलाद ने क़ियाम दीन व मिल्लत के लिए क्या क्या जहमतें उठाई, कितनी मुसीबतें उठाई। अगर फातिमा की औलाद न होती तो इस्लाम न होता। यही वो तारीख है जिसको बार बार मेहराब मिंबर से दोहराया जाता है और यही वो खिदमात दीनी हैं आले रसूल के कि जिनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम पर दुरूद को वाजिब कर दिया। कि जब तक जिंदा रहो आले मोहम्मद को पैगंबर के साथ शामिल दुरूद कर लो, इसलिए कि ये उन्हीं के खिदमात हैं कि जिनकी वजह से ये दीनों दियानत, ये नाम इस्लाम और ये मजहब और ये कुरान पर गुफ्तगू मिल्लत इस्लामिया में मुमकिन है। अजीजों ने गरामी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये जितनी जहमतें उठाई गई, जितनी मेहनतें की इन लोगों ने, इस पूरे सिलसिले मेहनत में रूह रवां फकत एक अमर था, यानी इस पूरी कोशिश की जान एक ही बात थी अगर बहनों में रह जाए। और वो बात ये कि अगर दादा ने कुछ कहा तो पोते ने भी वही कहा, अगर बुजुर्ग खानदान ने कुछ कहा तो छोटे बच्चे ने भी घराने के वही कहा, यानी इनके घराने में कौल नहीं बदला। और चूंकि मैंने इसी तमहीद को सुनकर एकाएक अपने उन्वान को बदल दिया और यही बतलाने के लिए हमको वाकई क्या सबक लेना चाहिए, इरशाद हुआ लकद वसलना लहुमुल कौल, हमने उनके लिए कौल को वसल दे दिया, हमने उनके लिए कौल को मुसलसल कर दिया ताकि वो तज़क्कुर के मकाम पर आए। वसल कौल यानी फासला न हो, जो कह दिया फिर उसमें वो सिलसिला बाकी रहे कि जमाने के किसी हिस्से में कोई खला वाक़े न हो, कोई खलीज वाक़े न हो, कोई वक्फा न हो, एक पैगाम हो कि मुसलसल जाए, एक पैगाम हो जो इस तरह से बेतहाशा और बेखतर गुजरे कि अगर पैगाम देने वाले के पांव को चलते हुए रोक दिया जाए तो उसका सर नौके मैदान पर। लकद वसलना लहुमुल कौल, हमने उनके लिए कौल को वसल दे दिया। ज़ात वाजिब ने जो अपनी तारीफ की, जो अपनी तारीफ की, वो तारीफ इन लफ्जों में थी कि हम वो है कि ला युबदलुल कौल लदैया वमा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद, मेरा कौल बदलता नहीं है, मैं बंदों पर जालिम नहीं हूं।
बदलता नहीं है, मेरे नजदीक कौल में तब्दीली नहीं, इसलिए कि जहां कौल बदल जाए वो जुल्म है। जहां कौल बदल जाए वो जुल्म है, और कमाल अदल इलाही ये है कि वहां कौल नहीं बदलता। अब जो इस राह पर चले उसके लिए अदल और जुल्म की पहचान यह है, कौल बदल गया जालिम, और अगर सिबात कौल है तो वो अदल की तरफ जाता है। इसलिए अदलिया उस फिरके को कहेंगे जिसमें सिबात कौल हो। इरशाद हुआ मोमिन की तारीफ में, अपने लिए तो ये कहा कि मेरा कौल नहीं बदलता, मोमिन की ये तारीफ की, युसर्फतुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह सिबात देता है साहिबान ईमान को कौल साबित से दुनिया में भी और आखिरत। मोमिन वही के जिसमें सिबात कौल हो, जात वाजिब की तारीफ ये कि जिसका कौल नहीं बदलता, तो ये वसल कौल की सूरत आपकी फिक्र में एक एजाज, एक एजाज है। मेरी हद तक इस इलाके में जितनी तकरीरें मैं कर सकूंगा, शायद इसी उन्वान पर और उसके इर्द गिर्द में कुछ गुफ्तगू कर सकूं। देखिए ये एक एजाज है आपका कि आप में वसल कौल है। इस्लाम की ये सबसे बड़ी ताकत रही है कि जहां बात न बदले, बात बदल गई बिगड़ गई, बात बदल गई बिगड़ गई, और जहां बातें नहीं बदलती वहां एक ऐसे सिलसिले की जरूरत है, एक ऐसे सिलसिले की जरूरत है कि नस्लन बाद नस्लिन उसके बड़े बूढ़े जवान छोटे बच्चे एक ही पैगाम को लेकर चले, और दुनिया हैरानी से उनकी उम्रों को देखे कि इसमें कोई गरीब है कोई कमसिन है, मगर सबकी बातें एक हैं। सन 203 हिजरी में अली इब्ने मुसर रज़ा के शहादत की खबर मदीना पहुंची, तकी जवाद की इमामत का ऐलान हुआ। उलमाए मदीना ने 8 दिन के अरसे में हजारों सवाल तकी जवाद से 8 बरस की उम्र में किए। वही कहा जो बाप ने कहा था, वही कहा जो दादा ने कहा था, वही कहा जो जाफर इब्ने मोहम्मद ने कहा था, ये है वसल कौल। बहर सूरत इस सिलसिले पर नजर रहे और आप मुलाहजा फरमाएंगे कि वाकई ये बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों का मजमा है, बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है कि कोई सरमाए फिक्र नहीं और इस तरह से तारुफ हो जाए। बहर सूरत कुछ न कुछ आपकी खिदमत में पेश करना ही है। आइए इसी सिलसिले को थोड़े से वक्ते में देख डालें। ये सिलसिला इस्लाम की हद तक शुरू होता है उस इंसान कामिल व अकमल से जिसको जात वाजिब ने रहमतुन लिल आलमीन कहा, और जिसको समझने के लिए इस तमहीद की और मुख्तसर तमहीद की जरूरत होगी कि आप हम और सारी दुनिया जो अक्ल की है वो तस्लीम करती है कि कायनात
خالق ہے اور ہم پر اس کی بندگی لازم ہے, ہم پر یہ واجب ہے کہ اس کی مرضی کو دیکھیں, کس امر سے وہ راضی ہے کس امر سے وہ ناراض ہے. تھوڑی سی توجہ, لیکن اس کی رضا و ناراضی کا اعلان ہم تک کیسے پہنچے, ہم کو کیسے معلوم ہو. ہم پر تو وہی نہیں آتی کہ ہمارا خدا کس بات سے راضی ہے کس بات سے ناراض ہے. اس لیے اس امر کی ضرورت ہوئی کہ اس کی مرضی کا کوئی نمائندہ ہو جو رب العالمین کی مرضی کو آپ تک پہنچائے. یہ رب العالمین کی مرضی کا نمائندہ رحمت للعالمین قرار پایا. تھوڑی سی توجہ, میں کوئی زیادہ تفصیلی تمہید سے نہیں جا رہا ہوں. دیکھیے, رب العالمین ہے خدا آپ کا, یعنی عرب کا رب نہیں, عجم کا رب نہیں, فقط میرا اور آپ کا رب نہیں, یہ کسی فرقے کا کسی قوم کا کسی جغرافی قطعے کا رب نہیں, عالمین کا رب ہے. اگر موسیٰ کو پالتا ہے تو فرعون کو بھی پالتا ہے, اگر ابراہیم کی پرورش کرتا ہے تو نمرود کو بھی روزی دیتا ہے, یہ محمد کا لحاظ کرتا ہے, ابو جہل کو بھی حق حیات دیتا ہے. یہ ہے وہ رب العالمین کے جس کی مرضی میں, جس کی مرضی میں نہ کوئی ذاتی مفاد ہے, نہ کسی کی جمبداری ہے, نہ کسی کی طرف رجحان ہے, بلکہ وہ عالمی مرضی یہ ہے کہ ساری کائنات مدارج کمال پر پہنچے, جس میں اپنے لیے کوئی مفاد نہ ہو. اب اس کی مرضی کا نمائندہ اگر رحمت للعالمین ہے تو یہ بھی وہی ہوگا جس کے رجحانات ذاتی نہیں ہوں گے, جس کا مفاد شخصی نہیں ہوگا. اس لیے کہ عالمینی مرضی کی نمائندگی کر رہا ہے, اس واسطے رجحانات محدودہ سے بلند ہوگا, اور اس لیے وہ کسی جغرافی قطعے کا اور کسی خاص فرد کا, کسی خاص فرقے کا, کسی خاص گروہ کا سرپرست نہیں, بلکہ اللہ کی عالمینی مرضی کی نمائندگی کرتے ہوئے عالمین کے لیے وہ رحمت بن کر آیا, یہ بتلاتے ہوئے کہ کسی کو اگر چن لوں تو اس لیے نہیں کہ میرا رجحان ہے, کسی کو دور کر دوں تو اس لیے نہیں کہ مجھ سے عداوت ہے, اگر کسی کو نزدیک کر لوں تو اس لیے نہیں کہ مجھ سے رشتہ ہے, اور اگر کسی کو ہٹا دوں تو اس لیے نہیں کہ اس نے مجھ سے کھلی دشمنی کا اعلان کیا ہے. یہ عالمی مرضی کا نمائندہ ہے. مطلب یہ کہ رسول اسی کو چاہے جو خدا کو چاہے, رسول اس کو دور کرے کہ جو خدا سے دور ہو جائے. اس عالمی مرضی کے نمائندے نے مرضی الہی کو اقوام عالم اور نوع انسانی کے سامنے پیش کیا اور بتلایا کہ اگر اس راستے پر چلو گے نجات پاؤ گے, اور اگر اس راستے سے دور ہو جاؤ گے یقیناً رسوا ہو جاؤ گے. اور سنو, میں نے پیغام کو ختم کیا, میرا وقت ختم ہوا, میں جا رہا ہوں. 11 ہجری تھی کہ وہ عالمی مرضی کا نمائندہ بظاہر دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, لیکن ذات واجب نے وصل قول کا وعدہ کیا تھا کہ یہ وصل قول رہے گا.
واجب نے وصل قول کا وعدہ کیا تھا کہ اس قول میں وصل رہے گا وصل نہیں آئے گا تو اب وہ سلسلہ چلے گا اس عالمی مرضی کی نمائندگی کا انگریزی داں طبقے کے لیے اس لفظ کو یاد رکھنا ضروری ہے ریپرزینٹیٹو آف یونیورسل ول عالمینی مرضی یونیورسل ول نمائندہ ریپرزینٹیٹو تو اس عالمینی مرضی کا نمائندہ یقیناً رہے وہی رہے جس کے رجحانات محدود نہ ہو وہی رہے کہ جس کے تعلقات ذاتی مفاد کی بنا پر نہ ہو وہ بھی اسی نگاہ سے عالم کو دیکھے جس نگاہ سے نبی دیکھتا ہے اور نبی اس نگاہ سے دیکھتا ہے جو مرضی رب العالمین کی ہے. میری تقریر کا پہلا باب پہلا چیپٹر ختم ہوا, یہاں سے دوسرا باب شروع ہوتا اس جملے کہ اس کی نگاہ میں وہی عالمینی کیفیت رہے جو نبی کی نگاہ میں تھی, عالمینی مرضی, اور نبی کی نگاہ وہی تھی جو مرضی مولا تھی, یعنی عالمین پر نظر رہے رجحانات محدود نہ ہو. اگرچہ تم مکے میں تھے اگرچہ تم مدینے میں رہے مگر نگاہ میں وہ لامتناہیت, نگاہ میں وہ وسعت کہ جو محشر تک نوئے انسان کو دیکھے. تو اب وصل قول میں وہ آئے جو ان تمام امور کا لحاظ رکھے, ذات واجب کی عالمینی مرضی کا یہ عالم, عالمینی مرضی کا یہ عالم کہ اس کے نام سے ایک گھر اس کے بندے نے بنایا, اس کے نام سے ایک گھر اس کے بندے نے بنایا اور ذات واجب نے اس بندے کو خوش کرنے کے لیے اس گھر کو اپنی ذات سے نسبت دی اور کہا تاہر آؤ بیتی, تم دونوں مل کے میرے گھر کو تاہر کرو. یعنی بندے نے گھر بنایا, ذات واجب نے اس نسبت کو قبول کر لیا کہ میرا گھر میرا گھر. یہ اینٹ مٹی چونا کنکر جو کچھ بھی صحیح, مٹی کی دیواریں صحیح, لیکن میرے دو بندوں نے باپ بیٹوں نے مل کے اس گھر کو بنایا, نسبت دی مجھ سے میرا گھر. مگر عالمینی مرضی کا یہ عالم کہ اس گھر میں 4000 برس سے زیادہ عرصے تک بت رہے, عالمینی مرضی کا یہ عالم کہ اس گھر میں 4000 برس سے زیادہ پتھر کے ترشے ہوئے بت یعنی باطل کے خدا رہے, عالمینی مرضی رہے. اب نہ اس کو یہ خطور گزرے نہ یہ خیال گزرے, نہیں ذات واجب بلند ہے اس سے کیوں فکر کرے کون ہے کون ہے. ایک وقت وہ آیا کہ ایک بڑا کثیر لشکر اس گھر کو برباد کرنے کے لیے تیار ہوا. ذات واجب جس کی مصلحت ہمیشہ یہ رہی کہ جو کام ہو اس کے احاطہ قدرت میں واسطے سے ہو, ممکن ہے نظر انداز کر دیتا اب رہا کے لشکر کو یہ کہہ کر کے بہے کرشمہ دو کام, اچھا ہے آ جائے حملہ کر دے اس گھر کو تباہ کر دے, بت تو ٹوٹیں گے بت تو ختم ہو جائیں گے, باطل کے خدا تو نکل جائیں گے, لیکن نہیں بت رہے یہ لشکر میرے گھر پر چڑھائی نہیں کر سکتا. بت رہے یہ
कबाइल के पुत्र हैं, ये रोज और शब के पुत्र हैं, ये मौसमों के पुत्र हैं, ये जंग और सुलह के खुदा रहे, ये बहारों खुदा की देवियां रहे मगर घर मेरा मजाल नहीं है अब रहा कि हाथियों के लश्कर से चल जा रहे। हम गवारा नहीं करते आलम तेरा कई वाला रब का भी असाबिल फील देखा, हमने क्या अंजाम कर दिखाया उस लश्कर का, क्या अंजाम कर दिखाया हमने, तूने देखा। हमको पसंद नहीं था कि हमारा घर अगर जब बुतों का मस्कन सही, मगर उस पर किसी जायर की चढ़ाई हो हमको पसंद नहीं। ये आलमीनी मर्जी, रहमानियत आलमीनी मर्जी का नुमाइंदा रहमतुन लिल आलमीन, जो रहमान का भी मजहर रहीम का भी मजहर, एक एक जुमला तफसील चाहता है, जो रहमान का भी मजहर रहीम का भी मजहर, जिंदगी गुजर गई दिलों के हाल से वाकिफ, दिलों के हाल से वाकिफ, मगर आओ तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी बैठो, तुम भी बैठ, क्यों आलमीनी मर्जी। अब तो यह नहीं पूछ सकता कि दिल का हाल जानते तो पहलू में जगह चाहूंगी, आलमीनी मर्जी। बुतों को काबे में देखने वाला अब रहा के लश्कर को पामाल करवा देता है, परिंदों के और नाजुक परिंदों की मिनकारों की कंकरियों से, आलमीनी मर्जी का नुमाइंदा नबी जमाल की मंजिल पर और रहमानियत इलाही का मजहर होकर सबको अपने नजदीक ले लेता। अब इसका नुमाइंदा कैसा हो, अब इसका नुमाइंदा कैसा हो, वही हो जिसकी निगाह में नबुव्वत की आलमीनियत रहे, जिसकी निगाह में रब्बुल आलमीन की मर्जी रहे। इसलिए अगर 24 बरस तलवार न खेचे तो एतराज नहीं, आलमीनी मर्जी यानी जो चीज परेशान करती है दिमागों को उसी को दूर करते हुए जाएं, खतरे में कूद पड़ना इसलिए जरूरी है खतरा दूर हो जाए। ये एक अंग्रेजी हकीम का कौल है कि अगर खतरे से बचना चाहते हो तो कूद पाओ ताकि मालूम हो जाए कि खतर है कहां, डेंजर कहां है, डेंजर कहां। तो अब जिस मकाम पर शुभा हुआ वो ये कि ये सुकूत हसन, ये मजलूमियत हुसैन, ये आबिद बीमार के सजदे नहीं, बल्कि दोस्तों को यह रंज हो गया कि इमामत की यह तारीफ क्यों करें जब तक कियाम भी साइफ ना हो, अगर तलवार से कियाम है तो बस वहीं जाएगी इमामत, वहां से फिरके हो गए। मगर गौर नहीं किया हूं कि यह आलमीनी मर्जी है, यह वसले कौल है, यह वसले कौल है, इसका ताल्लुक हुकूमतों से नहीं है, इसका ताल्लुक सल्तनतों से नहीं है, इसका ताल्लुक दुनियावी वजाहतों से नहीं है, इसका ताल्लुक फकत इस अमर से है कि मर्जी मौला क्या है, मर्जी मौला क्या है, सुकूत सुकूत, खामोशी खामोशी, मगर वसल रहे उस पैगाम में कि जिस पैगाम को लेकर नबी उम्मी आए थे। नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ, नाम बढ़ता गया जब एक के बाद एक हुआ, 11 हिजरी अपनी मर्तबत बज़ाहिर दुनिया से हट गए। बड़े अहम मसाइल यहीं पैदा हो जाते हैं, इख्तलाफ और उमूर में तो मैं कायल ही नहीं हूं, इख्तलाफ और उमूर में मैं कायल ही नहीं हूं, वह रुझाना तो महदूदा है,
मगर जो इल्मी इख्तलाफ है वो उसी मंजिल पे हुआ, वो उसी मंजिल पे हुआ कि एहतराम जो खत्मी मतबत का उनकी जिंदगी में होता था उसको दुनिया की वजाहत को पसंद करने वाले इबादत मोहम्मद समझते थे। इसलिए जिस दिन आंखें खत्मी मतबत की बंद हुई तो पुकारने वाले ने कहा मन कान याबूद मोहम्मद अन्नहू कदमा, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले के मोहम्मद मर गए। अब कोई पूछे कि ये 23 बरस की जिंदगी में कभी जबान खत्मी मर्तबत से ये जुमला निकला था कि तुम अल्लाह की बंदगी न करो मेरी बंदगी करो? नस्से कुरान के बावजूद कि जहां कुरान पुकार रहा है कि किसी बंदे की ये मजाल नहीं है कि जिसको हमने किताब अता की हो वो कभी ये कह दे कूनू इबादन ली कि तुम मेरे बंदे बनो, नहीं वो नहीं करता। न पैगंबर ने ये कहा, न पैगंबर के 23 बरस की जिंदगी में कोई तारीख ये कहती है कि कोई शख्स पैगंबर की इबादत करता था, कोई नहीं। जब कोई न था इबादत करने वाला तो ये किसने कहा, क्यों कहा कि जो पैगंबर की इबादत करते थे वो सुन ले जब पैगंबर मर गए? क्या मतलब था, क्या फलसफा था जो ये कहता है कि जो इबादत करता था पैगंबर की वो सुन ले कि मोहम्मद मर गए? क्यों? बात इतनी ही कि वो एहतराम जो खत्मी मर्तबत का एक खास घराने में राइज था उसको दुनिया की निगाहें समझ न सकी, उस एहतराम को वो बंदगी समझते थे। उन्होंने कहा हम तो इतना एहतराम नहीं करते हैं, तुम करते हो, इसलिए देखो देखो इस एहतराम को खत्म होना चाहिए। बड़ी अजीब गुफ्तगू है। इन्नहु कदमात, देखो मोहम्मद मर गए, यानी जो एहतराम मोहम्मद है वो खत्म हो जाए आपसे। देखिए ये है नुक्ता इख्तलाफ इल्मी कि एक तबका चाहता था कि एहतराम खत्मी मर्तबत खत्म हो और दूसरी तरफ साहेबान वसले कौल इस बात पे अड़ गए थे कि अब ऐ दुनिया देख ले होगा और मोहम्मद का एहतराम हो कर रहेगा। ये था वो बुनियादी इख्तलाफ कि एक ऐसा इंसान जिसको हमने बाजारों में देखा, चलते फिरते देखा, खाते पीते देखा और ये देखा कि वो सोता है, जागता है, उठता बैठता, चलता फिरता, अजवाज के पास जाता है, दोस्तों से बातें करता है, तो उसके लिए ये एहतराम नहीं। मगर दूसरी तरफ ये ऐलान किया गया कि एहतराम की फिक्र करते हो, मोहम्मद जी रहे हैं। और से सुनिए, उधर तो ये कहा कि जो बंदगी करते थे वो सुन ले कि वो मर गए और इधर से ऐलान हुआ कि हयात खत्मी मर्तबत, हयात मोहम्मद, हयात नबुव्वत, हयात पैगाम मोहम्मद। अब यहां से रास्ते अलग हुए। ये है रास्ता, एक तरफ ये कोशिश के एहतराम न रहे। वो कोशिश क्यों थी एहतराम न रहे? फकत इस वास्ते कि अगर पैगंबर का एहतराम हो गया तो फिर मेरा और आपका एहतराम नामुमकिन, अशखास का एहतराम ना हो सके। उधर उनकी फिक्र ये कि उसी का हो जाए एहतराम, किसी का नहीं तो नहीं। उससे क्या होगा? अगर एहतराम पैगंबर हो गया तो हक का एहतराम होगा, सिद्क का एहतराम होगा, अदल का एहतराम होगा, खैर का एहतराम होगा, दीन और मिल्लत का एहतराम होगा, कुरान का एहतराम होगा। जहां एहतराम मोहम्मद नहीं वहां करबला। आप समझ गए, ये उमूर, जहां एहतराम नहीं वहां करबला। इसलिए कि एहतराम मिट गया, एहतराम
ब्राह्मण आलमीनी मर्जी की नुमाइंदगी करने वालों ने यह तय किया कि अगर मिल्लत सबसे पहले इस अकीदे को समझने की कोशिश कर ले जो कुरान की बुनियाद पर दुरुस्त है और सही है कि फरिश्ता मौत का छूता है दो बदन तेरा, फरिश्ता इकबाल, फरिश्ता मौत का छूता है दो बदन तेरा, तेरे हयात के मरकज से दूर रहता है, तेरे हयात के मरकज से दूर रहता है, मौत जिसमें मादी के लिए है, मौत जिसमें अंसुरी के लिए है, मौत इस कफस अर्जी के लिए है, मौत रूह के लिए नहीं, मौत नफ्स के लिए नहीं है। तुमने जिसको मरते हुए देखा वो जिस्म था, वरना वरना वो जो ये कहता था अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, वो जो ये कहता था कि मैं अक्ल अव्वल हूँ, मैं सुबह अव्वल हूँ, मैं नूर अव्वल हूँ, उसके लिए, उसकी रूह के लिए, उसके नफ्स के लिए मौत नहीं। ये अकीदा इस्लाम में लाजिम है, सिर्फ इसलिए लाजिम है कि अगर हयात मोहम्मद पेश नजर है तो एहतराम भी है, जहां हयात ही नहीं एहतराम है। लेकिन अमलन मिल्लत मुस्लिमा हयात की कायल है, अमलन अमलन मिल्लत कायल है, इल्मन मुनकिर, अमलन कायल है, इल्मन मुनकिर, अमलन कायल इसलिए कि दुरूद वो भेजे, अज़ा में नाम मोहम्मद का बोले, नमाज में नबी उम्मी पर सलाम वो करे, अमलन कायल हयात। लेकिन जब इल्म की मंजिल आए तो वो कहेंगे कि कुरान की का नफ्स सरीह मौजूद है, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, तू भी मरने वाला है और जितने नबी आए वो भी मर गए। जाहिर है कि हम उस मौत के कायल हैं कि जिस मौत ने जिसमें नबी ये उम्मी ये अरबी को यसरब की जमीन में छिपा दिया, हम भी उसके कायल हैं। लेकिन रूह कतमी मर्तबत, नफ्स कतमी मर्तबत हयात का पता देता है कि देखो वो जी रहे हैं। अगर ये बहस मिल्लत मुस्लिमा समझ ले कि हमारा नबी जी रहा है तो एहतराम लाजिम, जहां एहतराम लाजिम तो फिर हर उस शय का एहतराम लाजिम कि जो नबी के नजदीक मोहतरम हो, जो नबी के नजदीक मोहतरम हो, और अगर नहीं हयात के कायल नहीं तो फिर एहतराम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वसले कौल चला, ये वसले कौल चला, 11 हिजरी में आके बंद हुई, 75 दिन के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बेटी दुनिया से गई, मगर जब तक बेटी जिंदा थी बाप तो इसी तरह पुकारती थी और इसी तरह से बातें करती थी जैसे बाप जी रहा हो। ये आले रसूल की जिंदगी है। बेटी का इंतकाल हुआ, दामाद ने, रसूल के दामाद ने रसूल की बेटी को जमीन में रखते हुए इसी तरह से अल्लाह के रसूल को पुकारा कि जैसे कोई हाजिर हाजिर से बातें कर रहा हो। अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो, ये आपकी अमानत है जो आपके हवाले कर रहा हूं। नहजुल बलागा 40 हिजरी, अमीरुल मोमिनीन दुनिया से हट गए। अब इस घराने में हसन इब्ने अली और हुसैन इब्ने अली का यही रवैया कि नाना है, नाना है, हुसैन मदीना से निकलते हुए नाना की जरी से यूं बातें कर रहे हैं जैसे मोहम्मद सामने है। दलाई दे रहा
हुसैन इब्ने अली करबला पहुंचे, करबला में यूं बातें की कि जैसे नाना मौजूद है। हुसैन शहीद हुए, बहन ने भाई की लाश पर खड़े होकर नाना को पुकारा, अस्सलामु अलैका या जद्दा, हाजा हुसैनुका मुरम्मिलुन बिद्दिमा, नाना ये तेरा हुसैन है जो खून में लौट रहा है। हयात मोहम्मद जी, काफिला मदीने पहुंचा, ज़ैनब ने उसी शान से सलाम किया, नाना मैं आ गई। आप ये मसाइब समझ रहे हैं? नहीं, ये सब इस्तदलाल है, ये सब इस्तदलाल है कि आले मोहम्मद की निगाहों में, उनके अकायद में, उनके दिल में, उनके जमीर में, उनके शऊर में, उनकी फिक्र में यही बात थी कि नाना है, अल्लाह का रसूल है, और मुखालिफ फिक्र यह थी कि मर गए। रोज़े अव्वल उसका आगाज और यह सिलसिला जारी, आज तक भी यही गुफ्तगु मिल्लत मुस्लिमा, यह पैगाम रसूल जी रहे हैं। अब भी मिल्लत अगर हयात की कायल हो जा तो शायद ये हंगामे न हो। अरे देख रहा है आयात की शान ये कि यहां भी देख रहा है, महशर में भी देखेगा। रसूल हूँ, अमल करो, अल्लाह देख रहा है तुम्हारे अमल को, अल्लाह का रसूल देख रहा है। यह दुनिया वो महशर, शहीदा, एक वक्त होगा कि हर उम्मत अपने गवाह के साथ आएगी और ए रसूल तुम गवाहों पर गवाह रहोगे। हयात रसूल, मुसलमान क्या फिक्र कर रहा है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जिसको रहमतन लिल आलमीन कहे वो मर जाए। किस फिक्र में है मुसलमान? वो नबी उम्मी के जिसको सरनामे दफ्तर हयात बनाया, वो नबी उम्मी जिसको मकसद कायनात करार दिया, वो नबी उम्मी जिसके लिए खिताब लौलाक आया, वो नबी उम्मी के जिसको मकसूद कुल बनाया, वो नबी उम्मी जिसको ताहा मुजम्मिल मुद्दसिर यासीन के नामों के सरबराज किया, जिसकी हमद की गई, जिसकी तारीफ की गई, वो नबी उम्मी। और मिल्लत ये समझे 23 बरस की कोशिश, 23 बरस की तबलीग और हमेशा के लिए खत्म। रह जाए कुरान अपनी दामन में उन आयतों में को लिए हुए कि जिनमें पैगंबर की लाजमानियत और लामकानियत का तस्करा हो, और हम उनको फानी समझें। ये पैगाम था कि आले मोहम्मद लेकर चले, और मुलुकियत को यजिद खत्म करो एहतराम को। क्यों? फकत इसलिए कि अगर एहतराम रह जाए तो उनके तईशात जिंदगी साजगार न हो, उनकी अय्याश पसंद तबीयत पर गिरह लग जाए, उनके अफआल पर निगरानी हो जाए, उनकी लाइसेंशियस लाइफ पर पाबंदी हो जाए। इसलिए कहा हटाओ एहतराम के तसव्वुर को, हटाओ खत्म करो इसको, ताकि हम अपने अमल में आजाद रहें। बहुत गौर, हम अपने अमल में आजाद रहें, और दूसरी तरफ तारीख के धारे का ये आलम कि अगर इस्लाम नहीं है मजहब तो हट जाओ तख्त से। समझने की कोशिश, तख्त से हट जाओ अगर मुस्लिम नहीं, मुस्लिम है तो आओ। एक कितनी दुश्वारी थी, मुस्लिम भी रहे और एहतराम भी ना हो, कितनी दुश्वारी थी। इस्लाम छोड़ते हैं तो तख्त जाता है, और इस्लाम का ख्याल करते हैं तो एहतराम लाजिम होता है। अब कोई राह नहीं, नतीजा यह हुआ कि रिदा इस्लाम की तो कांधे पर,
मगर वो इस्लाम जो पहचाना न जा सके, वो इस्लाम जो पहचाना न जा सके तलबीस, वो इस्लाम के जिसको देखने वाला हक और बातिल में तमीज न कर सके। इख्तदार का ये आलम कि जोग्राफी हुदूद उन लोग से टकरा रहे हैं, कश्मीर की हदों से फौजें टक्कर ले रही हैं, सिंध तक आ चुके हैं, मुल्तान पर इख्तदार आ चुका है। इख्तदार का ये आलम, बैतुल माल की वो फिरावानी और इतना मामूर हो जाना कि हर शख्स अपने जमीन को बेचने के लिए तैयार, अपने आप को फरोख करने के लिए आमादा। लिखने वालों के कलम बिके हुए, बोलने वालों की जबानें बिकी हुई, ऐसे में इस्लाम की रिदा कांधे पर, मगर दिल माइल नहीं एहतराम की तरफ। मगर दिल माइल नहीं एहतराम की तरफ। हाय, ये इस्लाम संभले तो कैसे संभले जब तक के वसले कौल न हो, जब तक के वसले कौल न हो। इसलिए यजीद आज तक इमाम गज़ाली और उनके मानने वाले चीख रहे हैं कि कत्ल हुसैन यजीद को दायरे इस्लाम से खारिज नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रहे निगाह मुस्लिम में वो मुस्लिम, रहे निगाह मुस्लिम में वो मुस्लिम, मगर इस्लाम पहचाना नहीं जाता अपने हुसैन और मुस्लिम, नबी जादियों की दरबदरी और मुस्लिम, कश्त-ए-तिला में सर हुसैन का आना और मुस्लिम, सर दरबार शराब तारी और मुस्लिम, रहे रहे मुस्लिम, मगर इस्लाम कैसा पहचाना जाए। तो अजीजा ने करानी ये तकरीर का दूसरा बात खत्म, लेकिन इस जुमले को पेश नजर रखिए, इस्लाम कैसे पहचाना जाए। इस फिक्र की गलती को पहले दूर कर दीजिए कि इस्लाम कुछ और है, मुस्लिम कुछ और है। इस्लाम कुछ और है, मुस्लिम कुछ और है। मुस्लिम ताजदारों की तारीफ इस्लाम की तारीफ नहीं। इस्लाम की तारीफ तो यह होगी जिसको दीन की तारीफ कहते हैं, दियानत की तारीफ कहते हैं, जिसको पैगाम की तारीफ कहते हैं। अगर इस्लाम की तारीफ लिखी जाएगी तो वो वही अव्वल से शुरू होगी। अगर इस्लाम की तारीफ लिखी जाएगी तो कुरान के अहकाम के साथ साथ उसकी तारीफ बढ़ेगी। अगर इस्लाम की तारीफ लिखी जाएगी तो यह लिखा जाएगा कि सबसे पहले कौन से कौन सी नमाज वाजिब हुई। इस्लाम की तारीफ फिकह की तारीफ होगी, इस्लाम की तारीफ फिक्र हो, दियानत इस्लाम की तारीफ होगी, मुलुकियत की नहीं। तो शाही की तारीफ और है, इस्लाम की तारीफ और। देखिए इस पर को फिर समझ लीजिए, अगर मुस्लिम ताजदारों की तारीख इस्लाम की तारीख है, जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे सर पर इस जुमले को मुसल्लत करके और हमारी फिक्र पर इस अकीदे को मुसल्लत करके हमारे नौजवानों को गुमराह कर दिया था, कि जब वो लिखते बादशाह की तारीफ तो लिखते हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, और उसी में तैमूर की तारीफ भी थी, आले चंगेज की तारीफ भी थी, और उसी में आले सासान भी थे, आले सामान भी थे, उसी में तुर्कान तातार भी थे, उसी में गुलामान सलजूक भी थे, उसी में ताजदारान मुगलिया भी थे। ये तारीख को जो ही वह लिखते जाते थे कहते थे ये इस्लाम की तारीख है। मतलब ये कि अगर वो शराब खार है तो ये इस्लाम है, अगर वो बदअहद है तो ये इस्लाम है, अगर उसने बेवक्त हमला करके किसी को लूट लिया तो यह इस्लाम है। यहां तक कि अकबर मरहूम को यह कहना पड़ा कि अंग्रेज ये भी चीखते हुए गए कि गैर मुमकिन है मुझे उन मुसलमानों से, बुए खून आती है इस कौम के अफसानों से, बुए खून आती है इस कौम के अफसानों से, और इसी को कह दिया कि यह इस्लाम की तारीफ। मगर इस्लाम की तारीख लिखने वाले ये भूल गए कि इस्लाम नाम है वसल कौल का,
न उस वक्त ताजदारों की तारीख इस्लाम की तारीख थी, न आज ताजदारों ने इस्लाम की तारीख है। बहुत गौर से सुनिए, न उस वक्त थी न आज है, ये हुकूमतों की तारीख है, ये अफराद की तारीख है, ये इख्तदार की तारीख है, ये जोग्राफिया की तारीख है। समझे, जोग्राफिया की तारीख है, यानी जोग्राफी हिस्सों की तारीख। वरना अगर इस्लाम की तारीख हो जाए तो फिर क्या बात है कि दुनिया में आज मुख्तलिफ ममालिक इस्लाम है कि जिनसे पॉलिसी हमारी मुख्तलिफ है। समझते हैं, मुख्तलिफ मकामों पर मुसलमान इख्तदार में है लेकिन हमारी पॉलिसी उनकी पॉलिसी से अलग है, तो क्या हम इस्लाम के दुश्मन हैं? तो आप समझ रहे हैं हमें क्या कह रहा हूं? हमारी इस वक्त की पॉलिसी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ ताजदारा ने इस्लाम के पॉलिसी से, और उधर इस्लाम नाम है वसल कौल का, तो उसके माना यह हुए कि ताजदारों की तारीफ और इस्लाम की तारीफ और, इस्लाम और है मुस्लिम और है। याने नतीजे में मुस्लिम का कोई अमल इस्लाम नहीं, किसी मुस्लिम का अमल इस्लाम नहीं जब तक के उस मुस्लिम के इस्लाम पर किसी आलमीनी मर्जी के नुमाइंदे की मर्जी की मोहर न लग जाए। किसी मुस्लिम का अमल इस्लाम नहीं है, अमल और इस्लाम, इस्लाम वो कवानीन है जो मर्जी इलाही को जाहिर करते हैं, मुस्लिम का अमल जाहिर है कुछ और है, इसलिए न आपका अमल इस्लाम है न मेरा अमल इस्लाम, न किसी साहिब इख्तदार का अमल इस्लाम है। हम अपनी अपनी दुनिया में अपना अमल पेश कर रहे हैं, इस्लाम नाम है उस मजमूई हकीकत का जिसमें सदाकत ही सदाकत है, दियानत ही दियानत है, अदालत ही अदालत है। मेरा अमल और आपका अमल इस्लाम में इल्ला माशाल्लाह। तो अजीजा निगरानी, ये फर्क बड़ा नाजुक था, बड़ा नाजुक। उधर इख्तदार इस्लाम की अदा कांधे पर डाले, एहतराम पैगंबर को उधर खत्म करने की कोशिश करते हुए मुस्लिम रहना चाहे तो इस्लाम समझ में कैसे आए, हक बातिल में तमीज कैसे हो? इसलिए एक जिस मस्जिद में सरे हुसैन आया है वहां मगरिब की नमाज भी हुई, ये दरबार शाम की मस्जिद में हुआ है, मस्जिद जामे शाम में हुआ है, वरना उस दरबार में इतनी जगह नहीं, वहां मगरिब की अजा हुई है। पहचाना कैसा जाए हक बातिल, लाजिम यह था कि मर्जी इलाही की नुमाइंदगी के इस सिलसिले को कायम करने वाले कैद खाने में अपनी नमाज अलग पढ़े, ताकि दुनिया दोनों नमाजों को देख के पहचाने इस्लाम क्या है। भाई बहुत गौर से सुनिए, दुनिया पहचान ले हुसैन रोज़े आशूर तलवार से लड़ते हैं, यजीद के लश्कर से, आबिद दीमार जिंदा ने शाम में उसी लश्कर से सजदे की ताकत से लड़ते हैं, जिस बंदगी को और जिस बंदगी के सिलसिले को रोकने के लिए तूने मेरे बाप को कत्ल किया था, यदि तू ये समझता है कि वो सिलसिला रुक जाएगा, वो ये सज्जा तो सैयद सज्जाद वो मर्द मुजाहिद है जिनका सजदा ज़ुल्फ़िकार वाले जिहाद से अव्वल। मैं अपने हुदूद से वाकिफ हूं, मैं अपने हुदूद से वाकिफ हूं, अपनी जिम्मेदारी के साथ जा रहा हूं। तो 11 हिजरी जनाब रिसालत माप का विसाल, बे इस्तेलाह है, 40 हिजरी अमीरुल मोमिनीन की रुख्सत,
50 हिजरी हसन इब्ने अली का तशरीफ ले जाना, 61 हिजरी वाकई करबला, वाकई करबला, मगर वसले कान ये बहुत बहुत वसले कान ये कि जिस सजदे पर हुसैन ने अपनी जिंदगी को खत्म किया वहां से आप इतना बीमार से शुरू। मसले कौन जिस सजदे पर हुसैन ने अपनी जिंदगी को खत्म किया, सैयद सज्जाद ने कहा यह है मसले कौन, चलो इसी सजदे से शुरू करें, देखें अब क्या करता है लश्कर। काफिला रोका, जंजीरों को थामे, मकाम इबादत पर आ गए, पहचान ले दुनिया हक क्या है और बातिल क्या है, दोनों तरफ मुसलमान। कितनी जरूरत है आबिद बीमार की शान के लश्कर में, मर्जी इलाही की नुमाइंदगी करते हुए वसले कौल को बाकी रखने के लिए आबिद बीमार की असीरी किस कदर जरूरी है। यह है निगाह है इसमत कि अब खामोश सजदे तो अब कोई एतराज न करे, ऐसे इमामत हक होती तो ये माजूरी, ये कमजोरी, ये मजलूमियत। अरे मियां तुम क्या जानो, नजरों में यहां इमामत के माना ही मुलूकियत है, तुम क्या जानो, तुम समझते हो इमामत इख्तदार दुनिया को कहते हैं, नहीं मर्जी इलाही की नुमाइंदगी, आलमी मर्जी की नुमाइंदगी। अब वो तलवार लेके करे के सजदों में अदा करे, सजदों में अदा करे। आप जब बीमार 95 हिजरी आखिरी सजदा खत्म हो, 95 हिजरी आखिरी सजदा खत्म हुआ और एक मरतबा वो दौर आ गया जबकि अब पूछने वाले जमा होने लगे। बरसों देखा ये सजदों में शहर, ये बंदगी का खुलू, ये रातों को तकदीरों की आवाजें, ये मुनाजात, ये नगमे के जहां मुनाजात दाऊद अदिल हो जाए, दुआओं का बल्लन। अब आहिस्ता आहिस्ता पहचान कर आते चले फरमान रसूल, हराम क्या है, हलाल क्या है, मकरूह क्या है, मुबाह क्या है, नेक क्या है, बद क्या है, खैर क्या है, शर क्या है, यानी इस सजदों के जिहाद ने दुनिया को इधर खींचा और अब काम शुरू हुए तो मसले आए मोहम्मद बाकर आए तो अब उन्हीं के दरिया चले। 114 हिजरी अब ये आलम है कि 2,000 आदमी सामने हाजिर है और बराबर पूछा जा रहा है कि फरजंदे रसूल क्या हुक्म है, फरजंदे रसूल क्या इरशाद है, इस मसले में क्या हुक्म है, इस मसले में क्या इरशाद है, आपकी क्या राय है। और जहां आपसे पूछा आपने कहा मेरे जज ने ये कहा है, ये नहीं कि मोहम्मद बाकर ये कहता है, अल्लाह के रसूल ने यह कहा। 114 हिजरी इस मकाम पर पहुंचाया था कि एक मर्तबा वो आया कि जिसने तमीज हक बातिल को मुकम्मल करके कहा अब जाफरी और चला वसले कौल। अब तो ये आलम है, ज़ुरारा इब्न आयुन बयान करता है कि मदीने की मस्जिद में 4,000 आदमी थे जो बैठ के ये कहते थे मुझसे जाफर इब्न मोहम्मद भेजेगा, मुझसे जाफर इब्न मोहम्मद ने यह कहा चला कौल चला, जो बाप ने कहा, बेटे ने कहा, जो दादा ने कहा, जो पोते ने कहा। 148 हिजरी इमामत जा रही है, इज्तिहाद नहीं।
एक लफ्ज़ गौर से सुनो, मालूम नहीं जमाना साथ दे के न दे। अल्हम्दुलिल्लाह आप वाकई खुशनसीब हैं कि ऐसे आलिम दीन की मौजूदगी यहाँ कुदरत ने जरूरी जानकर इनको यहाँ रख दिया है। मसाइल में यकीनन ये आपके लिए एक दरिया साबित हो रहे हैं। अब मेरी हद तक एक मुसाफिर की हैसियत से मैं अपनी फिक्र से आपको आगाह कर रहा हूँ, जानता हूँ कि उसमें क्या कोताहियाँ हैं, जानता हूँ कि उसमें क्या खामियाँ हैं, लेकिन ये मेरा ईकाम है जो आपके सामने रख रहा हूँ। ये नहीं कि मैं दिल में कुछ और सोचूं और जबान से कुछ और बयान करूँ, नहीं, वल्लाह खुदा गवाह है जो कह रहा हूँ वही दिल की एक एक रग में पिन्हा है। और ये समझता हूँ कि अगर ये अकीदा जारी वो सारी रहे तो यकीनन एक मरतबा कौम की फिक्र बुलंद हो सकेगी। ये कौम की फिक्र को बुलंद करने का तरीका है। वो वक्त आया और जिसको 148 हिजरी कहते हैं, जाफर इब्न मोहम्मद का आखिरी दौर। बस अब इसके बाद जहमत नहीं दूंगा, अगर जिंदगी बाकी है तो फिर देखेंगे कल की तकरीर में अगर हालात साजगार हो, लेकिन यहीं रुकना है ताकि कुछ और अर्ज कर सकूं। सिर्फ इतना बदला दीजिए कि आप खस्ता तो नहीं हो गए, थक गए? थोड़ी देर थोड़ी देर, इसको कल सिलसिले के तौर पर ले जाएंगे। 148 हिजरी वसले कौल, और वो वसले कौल के इमामत जो इज्तिहाद नहीं, इज्तिहाद यानी फतवे की वो ताकत, फतवे की वो ताकत के जिससे अहकाम शरईये फरई में नुसूस कतई के साथ इस्तिंबात हो सके। अहकाम का जो कभी गलत भी हो, जो कभी सही भी हो, इज्तिहाद है, इज्तिहाद है, खत्म मुमकिन है। सारे आलम इस्लाम ने कहा इज्तिहाद में खता मुमकिन, मुज्तहिद खता कर सकता है, मुज्तहिद मासूम नहीं आए। 148 हिजरी सिलसिला है इमामत का, इज्तिहाद का नहीं। इसलिए जो फतवा दिया इस्मत, जो हुक्म दिया बेखता और बेगुनाही के साथ वसले कौल, लेकिन वही वो दौर था जहां दुनिया ने बतलाया कि देखो इज्तिहाद भी हुआ चुका, इस्लाम अब आगे बढ़ चुका है, माशाल्लाह अब इस्लाम में तरक्की हो चुकी है। यही वो दौर, यही वो दौर है कि इस्लाम के मायना फुकहाए, मायना फुकहाए, और हम उन पर नाश करते हैं, हम उन पर इस्तेकाल करते हैं। वो न होते तो मालूम नहीं इस्लाम की और क्या सूरत हो जाती। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह अनु 80 हिजरी की विलादत, 150 हिजरी की वफात, यानी हम असर है जाफर इब्न मोहम्मद। उसके बाद हजरत इमाम मालिक 90 हिजरी की विलादत और 171 हिजरी की वफात रजी अल्लाह अनु। उसके बाद हजरत मोहम्मद इब्न इदरीस से शाफी 150 हिजरी की विलादत और सन 204 की वफ़ात। और उसके बाद इमाम अहमद इब्न हम्बल जो सबके आखिर में आए कि जिनकी विलादत 161 हिजरी और वफ़ात 241 हिजरी रजी अल्लाह अन्हु मजमाई, जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की, लेकिन थे मुजतहिद, मुजतहिद थे, जिन्होंने कभी इस्मत का दावा नहीं किया, खुद नहीं, कभी नहीं कहा कि हम मासूम। अंजाम यह हुआ, अंजाम यह हुआ कि फतवे की जिद पर फतवा आया। फतवे की जिद पर फतवा आया, उस्ताद के फतवे के खिलाफ शागिर्द ने फतवा दिया और कहा फिक्र ने गलती की, इस्तिंबात सही नहीं है। और इसलिए भी हैरानी हुई कि अभी तारीफ मैंने की कि नुसूस कतई की मौजूदगी में उसकी बुनियाद पर अहकाम का इस्तिंबात हो शराइत मखसूस के साथ, यह है इज्तिहाद। यानी अहादीस कतनी मरतबत हो,
सामने ये कहा। लेकिन उस वक्त तक चूंकि अहादीस पहुंच नहीं सके थे, इसलिए ये कहा गया कि कुल 14 हुक्म अल्लाह के रसूल से आए हैं। कुल 14 हुक्म आए हैं जो कतई उल हुज्जिया है, हुज्जत कतई है, उसका 14 हुक्म, बाकी सब मजनून उल हुज्जिया के गुमान है कि यह हुज्जत हो। सच कहा इमाम आजम ने कि क्या 14 अहकाम को लेकर मैं कयामत तक मिल्लत की रहबरी कर सकूंगा? वाकई वो नहीं कर सकते थे जब तक कियास ना आ जाए। दुनिया इश्तिहाद में यकीनन उन्होंने एक इनकलाब फिक्र पैदा किया और एहसान कर दिया मिल्लत पर कि कम से कम 14 अहकाम पर जाओगे कैसे? कियास के दरवाजे को खोल कहा चलो आगे बढ़ जाओ। क्यों? अहादीस न थे। देखिए बहुत गौर से सुनिए, उनकी वफात 150 हिजरी और अहादीस को जमा करना शुरू किया 256 हिजरी में सहाय सित्ता मोहम्मद हजरत मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वफात 256 हिजरी, हजरत सज्जाद असाकुरुद्दीन मुस्लिम साहेब सैय मुस्लिम उनकी वफात 261 हिजरी, अहमद इब्ने शुएब निसाई रहमतुल्लाह अलैह उनकी वफात 304 हिजरी, मोहम्मद इब्ने जैद इब्ने माजा वफात 273 हिजरी, मोहम्मद इब्ने ईसा तिर्मिजी वफात 275 हिजरी। हजरत सुलेमान इब्ने अशअस अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह वफात 270 से 9 हिजरी, जमाने हैरत सुगरा आ गया आपका, जमाने हैरत सुगरा आ गया। अब हुए जमा हदीस, पहले फतवा हो गया, समझने की कोशिश कीजिए, पहले फतवे आ गए अहादीस बाद में। अब दुनिया ने कहना शुरू किया हमने तो 7 लाख हदीसें सुनी थी, हमने तो 2 लाख हदीसें सुनी थी, हमने तो अपनी किताब में 16,000 हदीसें लिख डाली थी, बाद में हमने आहिस्ता से इंतखाब करते करते 7,000 तक पहुंचाया। कब? 256 के बाद फतवे हो गए 150 में। लेकिन जहां वसले कौल था वहां अहादीस की कमी न थी, इसलिए कि हदीसें घर से आ रही थी। वहां रुआत की जरूरत न थी, रावियों की तलाश न थी। जाफर इब्ने मोहम्मद से किसी ने मसला पूछा, आपने जवाब दिया, उसने कहा फरजंदे रसूल आपके जद का क्या ख्याल है, तकिया किए हुए बैठे थे, सीधे बैठ गए। सुन आइंदा से याद रख के मेरे दरबार में आए, जब ये कह दे कि जाफर इब्ने मोहम्मद ने ये कहा है तो उसके माना मोहम्मद बाकर ने यही कहा, उसके माना अली इब्ने हुसैन जैनुल आबदीन ने ये कहा, उसके माना हुसैन इब्ने अली ने ये कहा, उसके माना अली इब्ने अबी तालिब ने ये कहा, उसके माना अल्लाह के रसूल ने ये कहा, उसके माना जिब्राइल अमीन ने ये कहा, उसके माना ये तो रब्बुल आलमीन से मेरे कौन सा पूछता है आपके जब की क्या है? क्या हम अपने घराने से अलग होकर बोलते? इनके पास अहादीस मुसलसल आई, यहां कमी न थी और इश्तिहाद न था। कौल हुज्जत अभी मिस्र से डॉक्टर जोहरा जब आए थे लाहौर के कलोकियम में और मुझे भी इसी मसले पर गुफ्तगू करने का मौका मिला था इश्तिहाद फिल इस्लाम, तो उन्होंने अपने मकाले में एक अजीब जुमला कह दिया और यकीनन उनको कहना ही ये चाहिए था। उन्होंने कहा कि फिरका जाफरी वो फिरका है कि जहां हदीस रसूल के साथ साथ कौल मासूम का भी वही दर्जा है। जाहिर है हमारे पास नस के माना यही है, या मासूम का कौल हो या नबी का इरशाद हो, नबी भी चूंकि मासूम ही है इसलिए कौल मासूम में नबी भी आते हैं इमाम भी आते हैं। बहर सूरत ये जमाना वसल कौल का था,
وصل قول کا زمانہ تھا یہاں تک پہنچے رحمت نہ دوں گا رہنے دیجئے اس منزل پر 148 ہجری کے ہم رک جائیں گے اگر زندگی باقی ہے تو پھر کل صبح 148 ہجری سے آج تک کہ ہمارے پاس وصل قول کیسے رہا وصل قول کیسے رہا دیکھیے ایک عجیب بات بتلاؤں مولانا یہاں تشریف فرما ہے اگر میں توحید کے متعلق عدل کے متعلق نبوت کے متعلق یہ تو اصول ہے نا نہیں فروع میں کسی مسئلے میں وضو نماز نجاسات طہارہ شکیات کے متعلق کچھ عرض کروں تو کیا آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو کر کہیں باطل ہے یا یہ اگر کسی مسئلے پر گفتگو کریں میں یہ کہہ سکوں گا کہ نہیں غلط ہے نہیں کیوں دونوں کا مرکز ایک ہے مرکز ایک ہے میرے بھائی جہاں مرکز ایک ہو وصل قول جہاں مرکز بدل جائے وہاں انتشار آپ سمجھ مرکز ایک ہو تو وصل قول جہاں مرکز بار بار بدلے مرکز کس کو کہتے ہیں جو دائرے میں ایک ہو ہر ایک نہیں دائرے میں ایک ہو تو مرکز ہر ایک نہیں اور جہاں مرکز بدلے وہاں دائرے بدلے ساتھ چل رہے ہیں آپ میرے فکر جہاں مرکز بدلا دائرہ بدلا جہاں مرکز کے بازو اور متصل اور اس کے پاس کوئی اور مرکز بنا اس کا دائرہ الگ اس کا دائرہ الگ دونوں دائرے ایک نہیں ایک کو کاٹے گا دوسرا ظاہر ہے نا جب تو مرکز الگ ہو گئے دونوں نے اپنے دائرے بنائے تو ایک دائرے نے دوسرے دائرے کو پتہ کر لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں تک اب دائرے کٹتے چلے وہاں نام تو رہ گیا اسلام کا اس لیے کہ ماں کی گود میں پلے جو مسلمہ تھی باپ کے آغوش میں بڑھے جو مسلم تھا خاندان تھا مسلمانوں کا اب نہ کچھ کہتے بن پڑتی ہے نہ کچھ سوچ سکتے ہیں دائرے روز بدلتے ہیں جہاں مرکز ایک ہو دائرہ ایک جہاں دائرہ ایک وہاں فکر ایک وہاں اصول ایک فروع ایک انجام یہ کہ مرکز نے پکارا دائرے کے ہر نقطے نے لبیک کہی جہاں مرکز توڑتا دائرہ توڑتا انجام یہ کہ مرکز سے محبت مرکز سے محبت تو ذرا سی آواز پر کے آؤ مرکز کا ذکر ہے کوئی مشرق سے آیا کوئی مغرب سے آیا کوئی شمال سے آیا کوئی جنوب سے آیا میں کراچی سے کھچا کھچا چلا آیا لوگ معلوم نہیں کہاں کہاں سے آئے یہ ہے مرکز سے محبت مرکز سے محبت اور جہاں بار بار مرکز بدلے وہاں کسی کا نام لے کے چیخو دل میں جذب نہیں اس لیے جذب نہیں کہ مرکز میں جذب نہیں مرکز میں جذب نہیں عزیزان محترم جب مرکز ایک موجود ہو تو پھر یاد رکھیے کہ جب شمع جلتی ہے دور دور سے پروانے آتے ہیں ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھتا تم کہاں سے آئے جب تک جیتے ہیں شمع کے گرد اوڑتے ہوئے جلتے ہیں اور جب جل کے گرتے ہیں تو میت پہ میت گرتی ہے کہ شمع کے اطراف پروانے جلے ہوئے ہیں میتیں پڑی ہوئی ہیں مرکز نے جذب کیا ہے
इस मजलिस में रौनक न होती अगर मरकज जिंदा न होता। हयात मरकज, हयात मरकज जिसको अभी दुनिया की पस्त हिम्मती समझ न सकी, जिसको अभी आलम की पस्ती ये फिक्र पहचान न सकी कि हयात मरकज का फायदा क्या है। ये हयात मरकज है, ये आपकी इज्तिमाई जिंदगी। तो चलो इस मंजिल पर मरकज के बाद मरकज, मगर बदलता नहीं मरकज, जगह नहीं बदलता। मरकज हुसैनी भी है, मरकज सज्जादी भी है, मरकज बाकरी भी है, मरकज जाफरी भी है, लेकिन मरकज के बाद जब मरकज आया तो फिर फर्क बाकी नहीं रहता। अरे वो उस मरकज में और इस मरकज में क्या फर्क है? एक दायरा एक मरकज, और अव्वल होना औसत होना आखिर होना कुल होना की मंजिल यही है। इसमें आपको हैरानी की जरूरत नहीं, ये हमारा और आपका और आलम इस्लाम का एक मरकज है, और ऐसा मरकज है कि जिससे वाबस्तगी जरूरी है। उसी का नाम लेने पर सब जमा होते हैं, उसी का नाम लेकर सब या खुशी का इजहार करते हैं या गम का इजहार करते हैं। इसलिए कि मरकज जब बना लिया तो अब अपना गम गम नहीं, अब अपनी खुशी खुशी नहीं, सब उसका गम उसकी खुशी। ये मोहब्बत की दलील, ये मोहब्बत का स्वरूप, ये मोहब्बत की इंतहा। अच्छा, तो इन्हीं मराकिज में एक वो भी मरकज है कि जिसने ये बतलाया कि देखो मेरी मजलूमियत पे इश्तबाह न हो, मेरी मजलूमियत पे शुभा न हो। वसल कौल के साथ चला था, वसल कौल के साथ रहा हूं, और जब तक दुनिया बाकी रहेगी मेरा नाम इसी सिलसिले में लिया जाएगा। आपसे कहा नहीं, मिल्लत से पूछा, मिल्लत से पूछा, बहुत तवज्जो से सुनी, मिल्लत से पूछा। तो देखो अभी कुछ दिन हुए तुमने किसी का लहू बहाते हुए यह कह दिया था कि तुमने इतनी गलती की, बैतुल माल को इस तरह से खर्च कर डाला, अजीजों को इस तरह से बख्श दिया, खताएं रख के कत्ल कर दिया, आज जमा हुए हो, बताओ यह है मेरा किरदार, बताओ यह है मेरा किरदार, किस बात पर मुझे कत्ल कर रहे हो? लेना तक तो लूंगा नहीं। ये हुसैन भी का हौसला, आप समझ, यानी अभी तारीख इस्लाम गुजर चुकी है कि जिस एक वाकये की वजह से जमल भी, सिफिन भी, नहरवान भी, अली की शहादत भी, हजारों मुसलमानों का लहू भी, यानी जहां मुसलमानों ने ऐलान किया था गलती यह है उसकी सजा यह, वो दुरुस्त हो तो गलत एक ऐलान किया। आज 30,000 के मदने से हुसैन पूछा कि तुम्हारे दिल बिके हुए हैं, तुम्हारे जमीर बिके हुए हैं, तुम्हारी जबानें बिकी हुई हैं, अब एक तो कह दे, एक तो कह दे, बताओ मुझे किस गुनाह का कत्ल कर रहे हैं। हम अल्लाह दिमाइन सफक्त हो, मैंने किसी का लहू बहाया? हम अल्लाह शरीयत इन गलिया तो हा, क्या मैंने शरीयत में कोई तब्दीली की? वसल कौल, क्या मैंने शरीयत में कोई तब्दीली की? कहा है मोहतर मुसलमानों का, कहता क्यों नहीं कि 30,000 के मदने में से इतने थे जिगरदार जिन्होंने कहा हुसैन तुमने शरीयत में यह तब्दीली की, तुमने कितनों का लहू बहाया, तुम पर इतनी खताएं आती हैं इसलिए तुमको कत्ल कर रहे हैं। ठीक किसी का हिम्मत? सबों ने कहा नहीं पसंद रसूल, आपने कोई गलती नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, फकत इतनी सी बात की हाकिम बयात मांग, हाकिम बयात मांग। आपने रिशा समय ये तो न हो सके, ये तो न हो सकेगा, ये हम न कर सकेंगे इसलिए कि इन लोगों में मोहम्मद का लहू दौड़ रहा, इन
رگوں میں محمد کا لہو دوڑ رہا ہے کیسے بیعت کر. تو حسین نے یہ کہہ دیا مرکز مرکز. اب دائرے کا ایک ایک نقطہ, اب ایک ایک نقطہ اسی بات پا ہو گیا, اسی بات پا گیا جو حسین نے کہا. اب مسلمان بتلائیں, تاریخ بتلائیں کہ کیا مزاج پایا تھا حسین کے بچوں نے, کیا طبیعت پائی تھی حسین کی بہنوں نے, کیا فیصلہ کیا تھا حسین کے گھر والوں نے. وصل قول جو یہ کہہ دیں, جو یہ کہہ دیں ہمارے پاس تبدیلی نہیں, ہمارے پاس تبدیلی نہیں, طلبگار بیعت تھک جائے مگر یہاں صبر نہیں تھکے گا, صبر نہیں تھکے گا. اب بچے بچے کو یہی خیال کہ بابا کی بات رہ جائے, بابا کی بات رہ جائے, اس گھر کی لاج رہ جائے. اب وہ چھوٹی بچی سکینہ ہو, اب وہ امام زین العابدین کے صاحبزادے جو ابھی امام نہیں ہوئے ہیں محمد باقر کربلا میں مگر کمسن, یہ اور دوسرے بچے ہوں. اب سبوں کا یہ فیصلہ کہ جو حسین کا فیصلہ وہی ہمارا, وہی ہمارا فیصلہ. لیکن سب کو یہی تمنا کہ حسین کاش تم جیتے ہوتے, کاش تم جیتے ہوتے, زندگی ہوتی کچھ اور, کاش. سب کی یہی تمنا مگر نہیں نہیں. اب جاتے ہیں تو جاؤ مولا, آپ کی مرضی. جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ سر دیں گے مگر ہاتھ نہیں دیں گے, بھائی بہت غور سے سنیے شاید پھر آپ نہ سن سکیں. جب آپ نے یہ طے کر لیا تو اچھا جائے. اس کے بعد اب میں ان بیان کروں, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میں واقعات کے بیان کرنے میں بڑا محتاط ہوں, اور دوسرے یہ کہ جہاں صاحبان علم کی کوئی نگرانی ہو وہاں مقصد کو بڑے احتیاط سے بیان کرنا پڑتا ہے, بڑے احتیاط سے بیان کرنا پڑتا ہے. اس لیے اب میں نے اپنی تقریر کو ختم کی. لیکن اچھا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اپنے اپنے قومی شاعر کو بڑا سراہتی ہے, بڑی تعریفیں کرتی ہے, شاعر وطن, شاعر قوم, شاعر ملت. تو ہمارا بھی ایک شاعر ہے جو اسی مرکز سے وابستہ ہے, انیس, نام سنا ہے نا انیس. اب اس کا استدلال دیکھیے اس مقام. حسین نے کہا اب ہم جائیں, اس لیے کہ لا ار الموت الا السعادة والحياة مع الظالمين الا ظلما وندما. میرے لیے موت سعادت, ظلم کرنے والوں کے ساتھ زندہ رہنا ذلت بھی ہے اور ندم. اب ہم جائیں. تو چھوٹی بیٹی نے کہا اچھا باپ جاؤ, مگر اب یہاں سے نہیں, مگر نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. بھائی ذرا میرے ساتھ سنتے ہوئے چلیے, نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں. انیس نے ایک انقلاب فکر پیدا کیا. نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, چھاتی پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اکبر, وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اکبر. فرماتے تھے بس ضد نہ کرو سب میں تم پر, شب ہوئے گی
और दस्त में हम होएंगे बीबी, अजगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे। मजलिस के सिलसिले में अच्छा है कि मैं तो हयात का कायल हूं, हयात का कायल हूं, आपकी और मेरी हर जिंदगी का मैं कायल हूं। मरने के बाद की जो रूहें रहेंगी, मुमकिन है रूहे अनीस भी जायका ले रही हो। उनके इस तरह से मिंबर पर जिम्मेदार पड़ने वाले कभी कभी मजबूर नींद आएगी जब आज की भूख आऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, छाती पर सुनाएगी तुम्हें रात को मादर। वो कहती थी सोएंगे कहां फिर अली अकबर, फरमाते थे बस जिद न करो सबको मैं तुम पर। शब होएगी और दस्त में हम होएंगे बीबी, अगर मेरे साथ आज वहीं सो। वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी नौत या शहर। अच्छा नजर कीजिएगा जल्द आने का इकरार, मर जाएगी शब को तौब कर ये तिलकदार। कैसी हैं ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। लेकिन ये उम्मत थी, एक तरफ आपके पास खतामत गई है इस उम्मत से, दूसरी तरफ मद्दा ही है हृदय का ये तरीका रहा। ये कुवत है साथ साथ। कैसी हैं ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ जंगल में कोई होता है बाबा। अजगर कभी साथ आपके अब तक नहीं सोए, अजगर कभी साथ आपके अब तक नहीं सोए। बहजा लिया अम्मा ने अगर चौंक के रोए, शफकत ये मुझी पर थी के बेचैन न हो। शफकत ये मुझी पर थी के बेचैन न हो। यूं प्यार करे जिसको वो यूं हाथ से खोए, जीते रहे फरजंद के सब लगते जिगर। मैं आपकी बेटी हूं, वो अम्मा के पिता। इस मकाम पर अनीस आके मख्तल के जुमले से मिल रहे
مقتل کا لفظ یہ ہے کہ جس کو امالی نے لکھا ارشاد میں شیخ مفید نے لکھا حسین کچھ نہ کہہ سکے صرف اتنا کہے سکینہ دعینی لعلی آتی کے دل میں سکینہ مجھے چھوڑ شاید پانی لا سکوں دعینی لعلی آتی کے دل میں مجھے جانے تو سکینہ شاید پانی مل سکے انیس نے ترجمہ کیا ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی بچی نے گھبرا کے چہرے کو دیکھا کہا بابا چچا جی یہی کہہ کے گئے بابا لگا بابا عباس بھی یہی کہہ کے گئے دیکھے اللہ 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 اللہ